रथ है, इसका अर्थ क्या बताया? भाग्यशाली रथ, भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ क्यों है? धर्म के ज्यादा धक्के किसको खाने पड़ते हैं? धर्म का प्रतीक बैल माना जाता है, और बैल के ऊपर शिव की सवारी दिखाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ की सवारी दिखाते हैं, और धर्म के धक्के तो हर धर्म में प्रसिद्ध है। तो सब धर्मों में जो ऊंचे थे ऊंचा अल्लाह अव्वल दीन है, उसका जो आधार होगा उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो भी सहयोगी होंगे उनको भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो धक्के खाने वालों को क्या भाग्यशाली कहेंगे? हैं? वो धर्म के धक्के स्वेच्छा से खाते हैं। एक होता है जबरियन दुखी होना, और एक होता है विश्व कल्याण के लिए जन कल्याण के लिए दुख खरीदना। उसमें आत्मिक तुष्टि मिलती है। ऐसा दुख सहन करना बाप सिखाते हैं। ये दुख दुख नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए सुख लेने का साधन है। और एक जन्म में भी गारंटी देते हैं कि मन सा प्रसन्न रहेगी, तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत।